हेलो गाइस, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गोडी तरस के अंदर। तो आज हमारी जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल से रिलेटेड 15 वीडियो है जिसमें हम मॉडिफाई एंड डिलीट मेथड के बारे में सीखेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करेंगे और टाइम वेस्ट किए बगैर हम अपनी जो है आ चुके हैं अपनी वीएस कोड की स्क्रीन पर। अभी तक आपने मेरी जो प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं की तो आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। मैंने सारी वीडियो प्लेलिस्ट में अवेलेबल आपको मिलेंगी, जितनी वीडियो आपको सारी प्लेलिस्ट के अंदर मिलेंगी, तो आपने प्लेलिस्ट एक्सेस कर लेनी है। तो अब बात करेंगे गाइस हमारे मॉडिफाई एंड डिलीट, तो किस तरीके से काम करते हैं। तो अभी आप देख रहे हैं हमने जो है एक बॉडी टैग के अंदर स्ट्रिप टैग बना हुआ है और एक एरे बना हुआ है जिसके अंदर कुछ वैल्यूज ली हुई है, जैसे नाम आ गया, एज आ गई, मेल आ गया, डेवलपर, तो इस तरीके से कुछ वैल्यूज ले जाए। अब फॉर सपोज अगर हमें कोई वैल्यूज को चेंज करना है एरे में तो वो हम किस तरीके से करेंगे। तो वो हम करेंगे गाइस सिंपली, सबसे पहले हम वेरिएबल का नाम लेंगे, जैसे हमने एक्स लिया तो एक्स लेंगे। इसके बाद हमने लेना है स्क्वायर बेसिस, स्क्वायर बेसिस में देना है जिस इंडेक्स को हमने चेंज करना है, जिस नाम को, जैसे मैंने एज चेंज करनी है तो एज का एज जो होती है उसका इंडेक्स नंबर क्या आपको पता है, एरे के अंदर जो इंडेक्स नंबर है वो जीरो से स्टार्ट होते हैं, तो ये जीरो पहला आ गया उसके बाद एक, तो हमारा जो एज का जो इंडेक्स नंबर है वो है वन कर देंगे। इसके बाद हमने लगाना इज इक्वल टू के बाद हम कर देंगे 25। मैंने अपनी एज को 25 कर दिया चेंज। अब सिंपली इसको हमने प्रिंट करवाना है, तो सबसे पहले हम पहले वाले को प्रिंट करवाएंगे जो नॉर्मली हमने लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट यूज़ करेंगे। और यहाँ हमने नाम दे रहा है जैसे एक्स, सिंपली इसको सबसे पहले हम प्रिंट करवाते हैं, कंट्रोल एस करेंगे और यहाँ जी गाइस हमारा जो एरे जो है प्रिंट हो चुका है। अब सिंपली इसको हम जो है जैसे हमने चेंज वाले जो करा है उसको हम प्रिंट करवाएंगे, जिसको हमने एज चेंज की है, तो इधर हम आके पहले ब्रैकेट लगा लेंगे ताकि जो हमारी जो अगली लाइन होगी वो नेक्स्ट लाइन में आएगी, प्लस करके जो है इस पर वी आर टैग लगा लेंगे परफेक्ट है, कंट्रोल एस करेंगे। तो अब देखें गाइस हमारा जो एज है वो चेंज हो चुकी है, आप देख रहे हैं 25 की थी हमने और आगे 25। तो इस तरीके से गाइस हम चेंज करते हैं किसी भी एरे की वैल्यू को। तो इस तरीके से आपने सिंपली चेंज करना है, आप स्ट्रिंग वैल्यू हो, कोई सी वैल्यू हो, आप उसको इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। एरे में से किसी वैल्यू को डिलीट करना तो वो किस तरीके से करेंगे, तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने जो है सिंपली इधर आना है, इसको पहले हम हटा देते हैं, ये तो आपको समझ आएगा किस तरीके से आपने चेंज करना है। वेरिएबल का नाम ले, स्क्वायर बेसिस में इंडेक्स नंबर देना, इज इक्वल टू लगा के उसका चेंज कर देना। ये हमने नंबर चेंज करा, अगर हम स्ट्रिंग वैल्यू को चेंज करेंगे तो उसको हम डबल कोट्स के अंदर लेंगे, जैसे इधर हम कर देते हैं जीरो, मुझे जीरो इंडेक्स को चेंज करना है अपने नाम को, और इधर आके हम जो है गाइस डबल कोट के नाम दिलेंगे अली, मैंने नाम चेंज करना है और कंट्रोल एस करेंगे, तो आप देखेंगे अभी नाम चेंज हो जाएगा। आप देख रहे हैं ऊपर जो जैसे सेम टू सेम प्रिंट हो रहा है, नीचे हमने जो चेंज किया इंडेक्स नंबर, स्ट्रिंग वैल्यू को, नाम को, वो चेंज हो चुका है। तो इस तरीके से एरे की इस वैल्यू को हम चेंज करते हैं। तो अब हम बात करेंगे डिलीट, अगर एरे में से किसी वैल्यू को डिलीट करना हो तो वो किस तरीके से करते हैं, तो उसके लिए भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे हमने जो एज इट इज प्रिंट किया हुआ है, अब हम सिंपली डिलीट को यूज़ करेंगे, डिलीट मेथड को यूज़ करेंगे। उसके बाद हमने एरे लेना है, एरे का वेरिएबल लेना है, एक्स वेरिएबल है, और उसके बाद स्क्वायर बेसिस लेना है, जौन सा भी हमने जो है चेंज करना है वैल्यूज को, डिलीट करना है वो हम करेंगे। तो हमने एज को डिलीट करना है गाइस, तो एज हमारा इंडेक्स नंबर है 1, और उसके बाद तो क्लोज करेंगे, कंट्रोल एस करेंगे, तो आप देखेंगे गाइस नीचे वाले में एज जो है डिलीट हो चुकी है। लेकिन अभी भी आप देख रहे हैं जो एज की स्पेस है, मैं आपको इसको जूम करके दिखा देता हूँ, पे क्लिक करके हम इसको जूम करेंगे, और अभी आप देख रहे हैं एज की जो कॉमा आपको नज़र आ रहा होगा इधर, एज की जो स्पेस है वो अभी भी रिमेनिंग है, बाकी है। तो एरे के अंदर ये होता है इसकी जो अभी हमने जो एरे को जो है डिलीट करा है तो ये अभी अनडिफाइंड है, स्पेस आपको मौजूद है लेकिन एरे हमारा अनडिफाइंड है क्योंकि यहाँ हमने कोई वैल्यू ऐड नहीं की। तो इस तरीके से हम डिलीट करते हैं और ऐड करते हैं। होप सो आपको वीडियो पसंद आएगी, इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में।